3 घंटा आज ये अलग मैग्नेटिक फ्लक्स का हिंदी होता है चुंबकीय फ्लक्स, जिसको डिनोटेट करते हैं इसमें भी फाई से, उसमें विद्युत फ्लक्स में भी किसे नोट करते थे फाई से, इसमें भी क्या करेंगे फाई से डिनोटेट करेंगे। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, अच्छा विद्युत फ्लक्स किसको कहते थे याद है? मतलब आवेश जो था ना। देखिए जब किसी सतह पर जो लंबवत गुजरती थी, क्या चीज जो लंबवत गुजरती थी विद्युत बल रेखा है कि कुल संख्या ही क्या कहलाती थी विद्युत फ्लक्स कहलाती थी। सेम यहाँ वही चीज होगा, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली अब वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती थी, तब यहाँ क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ही क्या कहलाएगी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है लिखिए उसकी कुल संख्या जय को जाएगा वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। लिखिए बात को लिखिए, किसी सतह पर लंबवत दिशा में, किसी सतह पर लंबवत दिशा में, किसी सतह पर लंबवत दिशा में आपतित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, आपतित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आपतित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, इसे चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के रूप में, क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के रूप में मापा जाता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के रूप में मापा जाता है। समझे बात को? चुंबकीय फ्लक्स किसको कहेंगे? किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली, मान लीजिए कोई सतह है, ये कोई एक सतह है, इसे लंबवत गुजरने वाली, इसे लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा ही क्या कहलाती है कि कुल संख्या ही क्या कहलाती है चुंबकीय रेखाएं को ही हम लोग क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। और इसको हम लोग मेजर किसमें करते हैं रे बबुआ? फाई में। इसको मेजर हम लोग किससे करते हैं? यह मैग्नेटिक क्षेत्र हो गया और इसके लिए एरिया वेक्टर इधर हो गया, मान लीजिए यह डीएस हो गया, क्या हो गया डीएस हो गया, या फिर आप इसको ए मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए सर। और इन दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना डिग्री का, जीरो डिग्री का है, जीरो डिग्री है कि थीटा है, थीटा है, कुछ कुछ भी हो सकता है, जैसा सरफेस होगा उसका होगा। अब जैसे 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री होगा लगभग 60, समझे बात को? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को किसके रूप में मेजर करते हैं? किसके रूप में? चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के रूप में, मतलब बिंदु गुणनफल। यदि B बराबर चुंबकीय क्षेत्र, रोको तो ये हो गया, B बराबर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, A बराबर क्या हो गया क्षेत्रफल सदिश हो गया, क्या हो गया बकवा? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एरिया वेक्टर। और देखिए फाई बराबर क्या हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, और थीटा बराबर चुंबकीय क्षेत्र तथा एरिया के लिए बनने वाले कौन, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, बीच का कोण। तब देखिए तब आपको किसके रूप में इसको मेजर करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, किसके डॉट प्रोडक्ट के रूप में? चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के रूप में। तो मतलब फाई बराबर क्या होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए,
तो इसका क्या होगा, जानते हैं फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है रे बबुआ? ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए बी साइन थीटा। डॉट और क्रॉस में यही अंतर है, डॉट में क्या आ जाता है कॉस और इसमें क्या आ जाता है साइन। तो यहाँ पर फाइ इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, उल्टे पढ़ा है बी ए, तो ये क्या हो जाएगा फाइ बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का, बी ए कॉस थीटा हो गया। विश्लेषण करते हैं, क्या करते हैं एनालिसिस विश्लेषण। यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो, जीरो डिग्री हो, तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है वन। तब कितना फ्लक्स आएगा, बी ए फ्लक्स आएगा। कितना फ्लक्स आएगा, बी ए फ्लक्स आएगा। फिर एक नंबर, फिर दूसरा में थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है जीरो, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा जीरो। मतलब लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स नहीं होता है, फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है जीरो। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है माइनस वन, तो इसका क्या होगा, तो फाइ बराबर क्या होगा माइनस बी ए होगा, होगा ना। अब इसका एस आई यूनिट जान लीजिए, ये हो गया तीन गो। एस आई यूनिट क्या होगा इसका बबुआ, एस आई यूनिट क्या होगा वेबर, क्या होगा वेबर, उसका क्या होता और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या होता है इसका मात्रक, पर नहीं देना, टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस वन। और यह राशि कौन सी है, क्वांटिटी कौन सा है, यह क्वांटिटी कौन है स्केलर, अदिश राशि या अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। यह मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।